हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश पारेख आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है अपना मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और इस सीरीज में अपना जो टॉपिक है आज का वो है मैकबेथ के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट सीन हैं, भी कौन सी सीन में क्या क्या इवेंट्स हुई थी, उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अपने बात करें तो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, ये जो सीन है ये कहता है टेम्पटेशन सीन। यानी कि इसके अंदर टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच देना, कि जब जो थ्री विचेस होती है, यानी जिसको अपने बोलते हैं वियर्ड सिस्टर, ये थ्री विचेस जब इस सीन में अपीयर होती है तो वो मैकबेथ को उसकी जो प्रोफेसी होती है उसके बारे में बताती है कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस है, थेन ऑफ काउडर बनेगा और वो किंग बनेगा। तो इनसे मिलने के बाद जो मैकबेथ के मन में किंग्स बनने का जो लालच आता है उसको बोलते हैं अपने टेम्पटेशन सीन। एक्ट फर्स्ट सीन सिक्स, इस सीन के अंदर डंकन जो होता है वो इनवरनेस में के अंदर एक नाइट स्टे करने के लिए या डिनर करने के लिए जाता है, और इनवरनेस जो है वो किसका है, मैकबेथ का कासल। तो एक्ट फर्स्ट सीन सिक्स के अंदर डंकन गोज टू इनवरनेस। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, इसको अपने बोलते हैं डैगर सीन। यानी कि डंकन के मर्डर से पहले मैकबेथ एक सीन को देखता है अपने इमेजिनेशन के अंदर, जिसके अंदर एक डैगर यानी कि चाकू उसको जो है वो ब्लड से उस पर लगा होता है, और वो डैगर जो है उसको अपने डंकन के रूम की तरफ लेके जाता है, इसको बोलते हैं डैगर सीन। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, एक्ट सेकंड सीन सेकंड, ये था डंकन मर्डर सीन। इसमें डंकन का मर्डर होता है और ये मर्डर मैकबेथ के द्वारा किया जाता है। एक्ट सेकंड सीन थर्ड, इसको बोलते हैं अपने पॉटर सीन। यानी कि इस सीन के अंदर थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है, यानी कि डंकन के मर्डर के बाद जो मतलब जैसे प्लेटफॉर्म पे प्ले किया जाता है, तो इस सीन के बाद थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देने के लिए एक पॉटर सीन डाला गया है। तो ये कौन सा है, एक्ट सेकंड सीन थर्ड। फिर आता है एक्ट थर्ड सीन थर्ड, इसके अंदर बैंको का मर्डर होता है, इसलिए बैंको मर्डर सीन कहलाता है ये। यानी कि बैंको का मर्डर किस सीन में होता है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड। फिर आता है एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, ये होता है बकेट सीन। यानी कि डंकन के मर्डर के बाद जब मैकबेथ किंग बनता है तो मैकबेथ के द्वारा एक पार्टी का ऑर्गेनाइज की जाती है पार्टी, इसको बोलते हैं अपने बकेट सीन, जो मैकबेथ के मर्डर के जस्ट बाद आती है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, एक्ट फोर्थ सीन सेकंड, मैकडफ फैमिली मर्डर सीन। यानी कि मैकडफ की फैमिली का जो मर्डर होता है वो किसमें होता है, एक्ट फोर्थ सीन सेकंड। और इस मैकडफ की फैमिली के मर्डर के बाद मैकबेथ जो है वो विलन बन जाता है। इससे पहले जो मैकबेथ हीरो का जो रोल प्ले कर रहा था, इस सीन के बाद एक्ट फोर सीन सेकंड, इसके बाद मैकबेथ विलन बन जाता है हीरो से। एक्ट फाइव सीन फर्स्ट, स्लीप वॉकिंग सीन है, जिसके अंदर लैडी मैकबेथ को एक पेपर के साथ में नींद के अंदर उसको वॉकिंग करते हुए दिखाया गया है, स्लीप वॉकिंग सीन। एक्ट फाइव सीन फाइव, लेडी मैकबेथ सुसाइड, ये जो है इस सीन के अंदर लेडी मैकबेथ के सुसाइड करने की न्यूज मिलती है, और ये न्यूज जो है सेटन के द्वारा दी जाती है। और एक्ट फाइव सीन एट, मैकबेथ मर्डर सीन होता है ये, और ये जो मैकबेथ का जो मर्डर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है मैकडफ के द्वारा। तो ये किस कौन सा सीन है, एक्ट फाइव सीन एट, मैकबेथ मर्डर सीन। एक बात ध्यान रखना, एक्ट सेकंड सीन सेकंड, एक्ट थर्ड सीन थर्ड, एक्ट फाइव सीन फाइव। यानी कि एक्ट सेकंड 22 नंबर जो है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, डंकन का मर्डर होता है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड यानी 33 के अंदर बैंको का मर्डर होता है, और एक्ट फाइव सीन फाइव यानी कि 55 के अंदर किसका होता है, लेडी मैकबेथ का सुसाइड करने का अपने को सीन दिखाई देता है। और ये इससे पहले है, यानी कि 21 नंबर के अंदर अपने को क्या मिलेगा,
ये डैगर सीन होता है और जैसे ही इसका मर्डर होता है, इसके मर्डर के बाद 23 नंबर के अंदर क्या मिलेगा अपने को, पोर्टर सीन देखने को मिलेगा। बैंको के मर्डर के बाद अगर बात किसकी करते हैं, 34 नंबर सीन की, यानी कि एक्ट थर्ड सीन फोर्थ 34 की बात करेंगे, ये अपने बकेट सीन की होगा। और 42 के अंदर मैकबेथ की फैमिली का मर्डर सीन है। और 58 के अंदर यानी कि सेकंड लास्ट जो सीन है उसके अंदर मैकबेथ का मर्डर अपने को देखने को मिलेगा। तो ये थे मैकबेथ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीन थे उसका डिस्कस मैंने यहाँ पर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।